नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जरूर कर रहे होंगे। तो आज नवीन भैया ने फिर टाइम निकाल लिया अपने लिए, थैंक यू सो मच नवीन भैया टाइम निकालने के लिए। एंड आज फिर वापस से मैं आ गया हूँ नवीन भैया के इकलौते शॉप पे, जो की वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर कस्टमाइजेशन, फॉर योर रेगुलर मेंटेनेंस, चाहे वो कोई भी बाइक है आपके पास। फिलहाल भैया ये कौन सी बाइक है जो कि आपने इसको एकदम नई बना दिया? भैया ये है, खड़ी आपके सामने 84 मॉडल की यजदी क्लासिक। ओके, इसको हमने टोटली रिस्टोर किया है, जीरो से इसको रिस्टोर किया। जैसा मैं आपको पहले की पिक्चर्स दिखाऊंगा तो आप देख पाओगे कि उसमें बहुत रस्टी थी, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने किस तरह का वर्क किया है, कितनी मेहनत की है इस पे। सो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ बाइक का, टेक्निकल चीजों में जाने से पहले। ये जो बाइक है ये 1984 है, जैसा कि भैया ने अभी बताया, यजदी 250D क्लासिक, एंड इसको प्रॉपरली रिस्टोर किया गया है जीरो से, एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारा समय, बहुत सारी मेहनत एंड कस्टमर का बहुत सारा पैसा इस पे लगा है, तब जाके ये इतनी सुंदर दिखने लगी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस बाइक से जुड़ी हुई बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे नवीन भैया के साथ, उनकी हेल्प लेके। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। कोई भी ओपिनियन, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं @bikebomb21, और अपना इंस्टाग्राम है इंपीरियल कस्टम्स के नाम से, कस्टम मोटरसाइकिल के नाम से, डिस्प्ले पे आप देख पा रहे होंगे। सो भैया के साथ आप जुड़ सकते हैं, कोई भी कस्टमाइजेशन है, कोई भी मॉडिफिकेशन है, भैया को बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उनका ओपिनियन ले सकते हैं। और अगर आप जयपुर से ही हैं तो अपनी बाइक को यहाँ लाके सर्विस, मेंटेनेंस, कस्टमाइजेशन, एग्जॉस्ट और छोटा मोटा कोई मॉडिफिकेशन वो सारे काम करवा सकते हैं। सो भैया स्टार्टिंग से बताइए कि ये तो हमारे व्यूअर्स को दिख रहा है अभी डिस्प्ले पे कि बाइक की पहली कंडीशन कैसे थी, कोई भी मतलब देख के बता नहीं सकता कि ये वही सेम बाइक है जो कि डिस्प्ले पे अभी दिखाई दे रही है, जिसके फोटोग्राफ्स अभी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आपने इसको एकदम नए जैसा बना दिया है, इस सिचुएशन में आप इसे लेके आए हैं, तो आई होप इसके अंदर बहुत सारा काम होगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज स्टार्ट से शुरू करिए, जीरो से शुरू करिए, क्या क्या काम इसमें हुआ। आपने पहले बाइक देखी और अभी आप देख रहे हो जी, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कितनी मेहनत, कितना टाइम, कितना पैसा गाड़ी में लगता है इसमें जान डालने के लिए जी। तो इस बाइक में अगर काम की बात करें तो जो निकल वर्क वगैरह है वो सारा हमने पूरा किया है, क्योंकि आप देख सकते थे यहाँ पे पूरा रस्ट लग गया था इनमें, एग्जॉस्ट हो चाहे हैंडल्स हो, ये पूरा रस्टी हो चुका था, तो इसको भी रिस्टोर करना, निकल करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस था हमारे लिए। वो किया हमने, पेंट जॉब वगैरह किया, इसके पार्ट्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, कुछ पार्ट्स हमने दिल्ली से मंगाए हैं, कुछ जयपुर में अवेलेबल हो गए, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है कई बार कुछ पार्ट्स में, लेकिन मिल जाता है इन द एंड। ओके, तो फाइनली ये प्रोडक्ट आपके सामने निकल के आया, जिसमें हमने सारा स्पोक्स वगैरह सब दोबारा बनाया, इंजन रिबिल्ड किया है इसका, पेंट जॉब हो गया, निकल हो गया, मीटर वगैरह ये सब नए डाले हैं, लॉक सेट वगैरह नया है इसका, आप देख सकते हो बैकलाइट, हेडलाइट, हैंडल, ग्रिप सेट वगैरह सब कुछ नया, मतलब टोटली इस बाइक में। तो ये मतलब आप कह सकते हो कि शोरूम कंडीशन में गाड़ी खड़ी है आपकी और आप इसके मजे ले सकते हो। सो दोस्तों भैया ने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ये जो आप स्पोक व्हील देख रहे हैं, प्रॉपरली वापस से इसे रिस्टोर किया गया है, जितना भी क्रोम आप देख रहे हैं चाहे सॉकर्स पे चाहे एग्जॉस्ट पे, इसको वापस से रिस्टोर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एंड हैंडल के ऊपर जो भी आप ये क्रोम देख रहे हैं, साथ में ये वाला जो एरिया है इसको प्रॉपरली रिस्टोर किया गया है, एंड जितने भी ये पेंटेड पार्ट्स हैं, चाहे वो ये है, चाहे आप ये सिल्वर पेंट देख रहे हैं, चाहे आप इसका ये लोगो देख रहे हैं, चाहे आप इसका ये डी 250 क्लासिक की बैजिंग देख रहे हैं, ये पूरा रीपेंटेड है, पूरा वापस से किया गया है, एंड इंजन वर्क जो आप देख रहे हैं, इंजन के ऊपर जो पेंट है ये भी सारा वापस से किया गया है। तो भैया अगर मैं बोलूँ, आपने बोला कि इंजन को भी प्रॉपरली रीबिल्ड किया है, तो अभी इसको जैसे हम नॉर्मल एक बाइक को डे टू डे यूज में लेते हैं, बिल्कुल सर इसको भी ले सकते हो आप। तो अगर जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको केवल टू स्ट्रोक बाइक चलाने में मजा आता है, भैया दो चार चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे इसमें ऑयल ऐड करना पड़ता है पेट्रोल पे, ओके, और गाड़ी खड़ी करो तो ऑफ रखो उसको, पेट्रोल को ऑफ रख दो, हाँ जी ठीक है। ये दो चार चीजें किक मारना आप सीख लो एक बार, बड़ी सिंपल गाड़ी है, आप डेली यूज में ले सकते हो इसको, बिल्कुल। सो गाइज जो मेरा क्वेश्चन था भैया का, आंसर भैया ने आंसर उसका कर दिया कि अगर आप इसका टेक केयर अच्छे से कर सकते हैं तो आप इसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, जैसे आप किसी नॉर्मल बाइक को करते हैं, बस आपको थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा इसकी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा इसकी छोटी छोटी चीज़ों को। इसके अंदर एल ऑयल ऐड होता है फ्यूल टैंक के अंदर, एंड ये जो पेट्रोल की नॉब है यहाँ से आपको इसे बंद करना पड़ेगा जब आप बाइक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी भैया जैसे इंजन में कोई समस्या, कोई नहीं भैया, पूरा फ्रेश इंजन है,
इसका पिस्टन वगैरह सब हमने नया सेट किया है, क्रैंक वगैरह फुल्ली रिपेयर्ड है, तो इंजन हो या बॉडी लाइन हो किसी भी तरह का कोई काम नहीं बचा इसमें। तो मतलब आपके कहने का मतलब यह है जैसे नई बाइक होती है वैसे ही अभी इसका इंजन बन चुका है, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं, आप कहीं भी लेके इसको चाहे लद्दाख ले जाओ कहीं भी ले जाओ। इसके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। सो गाइज अब जो मेन जो चीज है, क्योंकि देखो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बाइक, देखने में लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही है, भैया ने बहुत दिल से इस बाइक को बनाया है, लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है पैसा। तो आप बताइए भैया खुल के कि कितना पैसा लगा है। जैसा आप गाड़ी देखी थी जिस कंडीशन में आई थी और ऐसा बनाने में आप मान के चलो 40 से 50 हजार के बीच में रहता ही है, 40-50 हजार गाड़ी आपका लेगी और टाइम लेगी 1.5 से 2 महीने के बीच में, 1.5 से 2 महीने का टाइम होती है। तो इसमें जैसे अगर हम ब्रेक करें थोड़ा सा प्राइस को, तो पेंट रिस्टोरेशन इसमें कितना खर्चा गया इसका? भैया पेंट का आप मान के चलो 8000 में पेंट हो जाता है, निकल का मान के चलो 4-5 हजार में निकल हो जाता है, ओके, बाकी इसके कुछ पार्ट्स है फिर हमारी लेबर है वो सारा इंक्लूड करके 40-50 हजार बैठता है। 40-50 हजार बैठता है वो सारा इंक्लूड करके। और इंजन में अगर मैकेनिकल अगर इंजन को रीबिल्ड करना हो तो क्या एक्सपेंसेस आ जाते हैं सर? वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में है, क्रैंक वगैरह अगर रिपेयर मांगती है तो 8-10 हजार में हो जाता है इंजन। ओके बाकी भैया एक चीज और, जैसे आपने बोला कि इसके कुछ पार्ट्स हमने नए डाले हैं, तो एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या क्या पार्ट इसके हमने नए डाले? आप देख सकते हो मीटर हो गया, हेडलाइट हो गई, बैकलाइट हो गई, सीट हो गई, बैकरेस्ट हो गया इसका, और फुटरेस्ट हो गए, फुटपैक वगैरह ये सारा हो गया, रबड़ किट पूरा इसका नया है, ओके, और आपके ये रिंग वगैरह ये नई है, ओके, बस ये इतना ही है, बाकी तो मोस्टली रिस्टोर ज्यादा होता है ये। अच्छा, क्योंकि इसके पार्ट्स मिलना मुश्किल है और पार्ट्स आते ऐसे हैं कि उसको आप अगर थोड़ा केयर करो तो वो रिस्टोर इजीली हो जाते हैं। मतलब पार्ट्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अभी वैसे पार्ट्स अभी 84 का मॉडल अपन इसको रिस्टोर कर पा रहे हैं बिल्कुल, वरना अगर आज की जो बाइक्स आती हैं उनको तो आप जब इतनी पुरानी हो जाएंगी उनका चेसिस भी आपको नहीं मिलेगा, उनको तो आपको स्क्रैप में भेजना पूरा स्क्रैप में। इवन एक हमारे पीछे एग्जांपल खड़ा हुआ है पल्सर खड़ी है, इसको भी रिस्टोर करेंगे, कोशिश है पूरी, इसका भी वीडियो आप देखोगे। तो दोस्तों इसे बोलते हैं डेडिकेशन, पल्सर की हालत देख लीजिए जर्जर हो रही है, लेकिन भैया उसके लिए बोल रहे हैं कि इसको भी हम रिस्टोर करेंगे बिल्कुल, वो भी आपको शोरूम कंडीशन में मिलेगी बिल्कुल, होपफुली भैया उम्मीद करते हैं जल्दी मिलेगी। बाकी आप मेरे को एक चीज बता दीजिए वीडियो के लास्ट में कि अगर कोई भाई ये काम करवाना चाहता है तो कहाँ पे आ सकता है जयपुर में, क्योंकि टू स्ट्रोक के जो दीवाने हैं ना वो अलग लेवल के, उन्हें आप KTM दे दो, उन्हें आप कोई सी भी बाइक दे दो, उन्हें आप GT दे दो, उन्हें जो मजा टू स्ट्रोक में आता है वो कहीं नहीं आएगा। तो आना कहाँ पड़ेगा जयपुर के अंदर? अपना एड्रेस है खातीपुरा में लाल मंदिर के पास में, खातीपुरा लाल मंदिर के पास में, और कांटेक्ट नंबर दोस्तों भैया का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, डिस्प्ले पे आप देख पा रहे होंगे, आप आ सकते हैं यहाँ पे, मेजर आपकी सर्विस है, माइनर सर्विस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई छोटा मोटा कस्टमाइजेशन है, कोई एसेसरी एड ऑन है, आपने नई बाइक खरीदी है आप एसेसरी लगवाना चाहते हैं सही बजट में तो भी आप आ सकते हैं, OEM सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। आपके पास बाइक है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करो, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बाइक लवर्स, आप आइए अपना छोटे से छोटा एंड इतना बड़े से बड़ा काम करवाइए। सो थैंक यू सो मच भैया टाइम देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का भी वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम मिलेंगे एक और एक धमाकेदार वीडियो में कल शाम को 9:15 बजे आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।